रसोई गैस एलपीजी की कीमतों में अगले हफ्ते बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों ने बताया है कि एलपीजी के मामले में लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाला नुकसान 100 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच चुका है। इस वजह से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि रसोई गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ेगा ये सरकार की अनुमति पर निर्भर करेगा। इससे पहले 6 अक्टूबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ाए गए थे। जुलाई से 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम 90 रुपए बढ़ चुका है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों को खुदरा दाम लागत के अनुरूप करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा इस अंतर को पाटने के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई सब्सिडी भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बीच एलपीजी की बिक्री पर नुकसान 100 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच गया है। एलपीजी की दरों में पिछली बार 6 अक्टूबर को प्रति सिलेंडर 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे जुलाई के बाद से दरों में कुल वृद्धि 90 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर हो गई। मामले से सीधी तौर पर जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को खुदरा बिक्री मूल्य को लागत के साथ अलाइन करने की अनुमति नहीं दी गई है और इस अंतर को पाटने के लिए अब तक किसी भी सरकारी सब्सिडी को मंजूरी नहीं दी गई है। सूत्रों का कहना है कि एलपीजी की बिक्री पर अंडर रिकवरी या घाटा 100 रुपए प्रति सिलेंडर से अधिक हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा की कीमतें कई साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।